शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। टीवी स्टेशन हाँ यही वो जगह जिस पर हमें कब्जा कर रहा है, इसी के अंदर जाना है। टीवी स्टेशन पे इस पूरे टीवी स्टेशन पे कब्जा करना है और अंदर जितने भी लोग हैं सबको बंधक बनाना है। कितने लोग होंगे? हम करीब करीब 400 लोग होंगे। 400? क्यों, क्या हुआ? 400 लोगों को एक साथ बंधक बनाना, इसमें चौंकने वाली क्या बात है? हमारे पास जो सामान है अभिजीत, उसे 400 तो क्या, 40,000 लोगों को भी बंधक बना सकते हैं हम लोग। ये बात तो है अभिजीत, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। गड़बड़? कैसी गड़बड़? तुम्हारा चेहरा देख के लग रहा है कि तुम हमें धोखा देने वाले हो। पागल हो गए हो क्या? अभिजीत, अगर हमें धोखा देने की कोशिश की तो यहीं पर उड़ा दूंगा तुम्हें। अपने मिशन की कामयाबी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। एक गनवन दिखाने की जरूरत नहीं है, जिंदगी भर मैं गोलियों से ही खेलता आया हूं। ना जाने कितने लोगों ने फायर किया है मुझ पर, 5 तो गोली लगी है। दिखाऊं क्या? नहीं नहीं, दोबारा ये गन मत दिखाना। मेरे बारे में इतना जानते हो तो ये भी सुना होगा, एक बार मेरा दिमाग घूम गया तो चलो मिशन पूरा करते हैं। ठीक है, ये लो आईकार्ड्स, हमें टेलीविजन क्रू बन के अंदर जाना होगा। चलो। hey, जल्दी करो जल्दी करो। hey, जल्दी कर जल्दी कर जल्दी करो, होशियार रहना, किसी को शक नहीं होना चाहिए। ध्यान से होशियार रहना। किसी को शक नहीं होना चाहिए, जल्दी। रुक जाओ रुक जाओ, इस डब्बे में क्या है? ये अरे इसमें यार फेनाइल है, टीवी स्टेशन की साफ सफाई के लिए। लेके जाओ पीछे वाले दरवाजे से। क्या है जो इतनी गंदगी हो जाती है, रोज के रोज इतने सारे लोग आते हैं, साफ सफाई तो करनी पड़ेगी ना भाई। सामने का दरवाजा बंद करो, तुम ऊपर का जाओ। hey,
हाथ ऊपर कर। ए हाथ ऊपर कर तू भी। चल। तुम लोग सब एक लाइन में खड़े हो जाओ उधर। चलो। ज्यादा होशियारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। जल्दी चलो चलो जल्दी चल। एक एक करके हाथ ऊपर रखना सब लोग। कह रहे तू भाई को नहीं खड़ा हुआ सुनाई कम देता है क्या तेरे को? ये गलत बात है आप लोगों की। चाहते क्या आप लोग? क्यों कर रहे हैं ये सब? ये सारी की सारी ना तेरे अंदर उतार दूंगा मैं। चल चल वहां पे खड़ा हो। चल पक्का मत दीजिए। अरे चल खड़ा हो दीजिए। ठीक से बात कीजिए। चल कान खोल के सुन लो। जो कुछ कहा जाए चुपचाप सुनते जाओ समझे। कोई भी ज्यादा चालाकी नहीं करेगा नहीं तो जान से हाथ धो बैठोगे। एक काम करते हैं इन सबको एक कमरे में बंद कर देते हैं। ए, चलो चलो सब एक लाइन में चलो 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 जल्दी सीधा सीधा एक लाइन में। चल बैठ 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 ला मोबाइल इधर ला। चल कहीं नहीं जाएगा तू। चल अरे जाने दो ये तो यहीं कर देगा। जा ये सुन इसको बाथरूम लेके जा अगर शाना बने ना तो उतार देना। चल निकाल चल। सब बंद कर दिया और हर दरवाजे पे अपना एक आदमी खड़ा कर दिया। ना कोई अंदर आ सकता है और ना कोई बाहर जा सकता है। ब्रिलियंट यू आर जस्ट ब्रिलियंट। अब सब कुछ हमारी मुट्ठी में है तो क्यों ना खेल आरंभ कर दिया जाए। बिल्कुल शुभ काम में देरी कैसे। तो शुभ काम करिए फोन निकालिए लगाइए सीआईडी वालों को और उन्हें बताइए कि हमारी मांगे क्या है। तुम बता दो यार। नहीं अभिजीत तुम ही बताओगे। क्या है ना सीआईडी को तुम बहुत अच्छी तरह समझते हो। ये तो है। सर अभिजीत सर एक पराए आदमी की तरह बर्ताव करेंगे हमारे साथ मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था सर। फ्रेडी अभिजीत अभी होशो आवाज रहनी है। जिस दिन उसके होश ठिकाने आएंगे ना पछताएगा। अभिजीत का फोन। हाँ बोलो अभिजीत कैसे याद किया? मुझे कोई याद वाद नहीं आ रही है। जो मैं कह रहा हूं कान खोल के सुनो। ये तुम कैसे बेकी बातें कर रहे हो? कहां हो तुम? टीवी सेंटर में। वहां क्या कर रहे? मेरे पास फालतू सवालों का जवाब देने के लिए वक्त नहीं है सीबी साहब। ध्यान से सुनो हमने इस टीवी सेंटर को अपने कब्जे में कर लिया है और यहां पे जितने भी लोग हैं सबको बंधक बना दिया है हमने। बंधक बना लिया? ये क्या मजाक है? यकीन नहीं हो रहा है? कोई बात नहीं यकीन की दवाई है मेरे पास। हेलो हेलो अभिजीत इन सबको वीडियो बना के भेज देते हैं। यकीन नहीं हो रहा है। Yeah.
क्यों एसीपी साहब, कैसा लगा हमारा वीडियो? अब यकीन आ रहा है? हेलो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें ये सब करते हुए। तुम एक सीआईडी ऑफिसर रह चुके हो, समझे? एसीपी साहब, आपकी लेक्चर देने की आदत अभी तक है ही नहीं। ये सलाह मशवरा किसी और के लिए रखो, बहुत काम आएगा। देखो अभिजीत, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज मत करो ऐसा। गिड़गिड़ाने से काम नहीं चलेगा एसीपी। इन सब लोगों की जान अब तुम्हारे हाथों में है। अगर इन लोगों की जान बचाना चाहते हो तो हमारी दो मांगे पूरी कर दो। क्या मांगे है बताओ, नहीं तो अंजाम आप अच्छी तरीके से जानते हैं। हेलो, ये तुम क्या कर रहे हो? किसे गोली मारी तुमने? अरे नहीं 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 एसीपी साहब, अभी तो हवा में गोली चलाई है। हाँ, दूसरी गोली किसी के छाती के पार हो सकती है। सुना है एसीपी साहब, इन लोगों की चीखें सुनी आपने? हा? देखो अभिजीत, एक भी आदमी को कुछ भी नहीं होना चाहिए, समझे? बताओ बताओ क्या मांगे है तुम्हारी? कमाल है, जिंदगी भर गोलियों की आवाजें सुनते आपका कलेजा कभी नहीं कांपा, आज एक गोली में बात मान ली आपने। सीआईडी ऑफिसर जब गुनहगार बन जाए तो कौन क्या कर सकता है? ये लानत है तुम पर। बताओ क्या चाहते हो? अब आए रास्ते में। हमारी पहली मांग, इस टीवी सेंटर में सीआईडी के अलावा दूसरा कोई नहीं आएगा, कोई आर्म फोर्स नहीं, कोई स्पेशल फोर्स नहीं, समझे? और अगर आपने जरा भी चालाकी की तो यहाँ पे आपको सिर्फ लाशें ही लाशें मिलेंगी। अच्छा, और दूसरी मांग? दूसरी मांग है, अरे बॉस भाग गया वो, गड़बड़ हो गई इधर। हेलो, कोड काट दिया, कुछ तो गड़बड़ हो गई है उधर, कुछ तो गड़बड़ हो गई है। लेकिन सर, ये लोग हैं कौन जिनके साथ मिलकर अभिजीत सर इतना बड़ा गुना करने जा रहे हैं? पता चल जाएगा फ्रेडी, इस वीडियो क्लिप से पता चल जाएगा। ये देखो, ये लड़की लड़की तो वही लड़की है जो अभिजीत के साथ थी जब एक लाश मिली थी अभिजीत की गाड़ी में। सर, दया सर ने भी इस लड़की को देखा था हॉस्पिटल में, जहाँ पे अभिजीत सर का इलाज किया गया था। अच्छा, काम करो, सचिन को कहो कि वो हॉस्पिटल में जाए और पता लगाए इस लड़की के बारे में। यस सर। इस टीएस टेलीविजन सेंटर चलते हैं, लेट्स गो। तो उसी का आइडिया है, यहाँ से भागते हुए गिर गया होगा। लेकिन उस आदमी का क्या हुआ जो उसे बाथरूम लेकर गया? उसे बाद में ढूंढने के, अमित पहले इसका मिलना बहुत जरूरी है, ये हमारे लिए खतरा बन सकता है। लगता है वो यहीं कहीं किसी कमरे में। Thank you.
लुका छिपी का खेल लिया। गोली मत चलाना, मैं मरना नहीं चाहता। क्या कर? मारना तो हम भी नहीं चाहते, मगर तूने नाक में दम कर रखा है। बाथरूम करने के बहाने भागना चाहता था। नहीं साहब, नहीं साहब, भाग नहीं रहा था, मैं तो छुप रहा था। छुप रहा था क्यों? मुझे डर लग रहा था आप लोगों से। डर लग रहा था तुझे? मैं तेरा डर हमेशा के लिए खत्म कर देता हूँ। ना तू जिंदा रहेगा, ना तुझे डर लगेगा। सिंपल, वेरी सिंपल। नहीं नहीं, माफ कर दो, माफ कर दो, दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। तेरी? पक्का? पक्का साहब, बिल्कुल पक्का। ठीक है, जाके अपने बाकी साथियों को बता दे, अगर भागेगा तो क्या होगा। पक्का। चल चल। हलचल दिख नहीं रही है। अंदर ही छुप के बैठे होंगे किसी कमरे में। जब बिल्डिंग में घुसे तो किसी ने तो देखा होगा। तो आसपास पता करो, देखो किसने देखा है। सर, बिल्डिंग के अंदर घुसने का रास्ता ढूंढना चाहिए। इधर देखो, कुछ जरूरी बात डिस्कस करनी थी, सबके सामने नहीं कर सकता था। बोलो क्या बात है? कैसा लगा हमारा प्लान? एक्सीलेंट, ब्रिलियंट। अब तक सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक ही चल रहा है। तुम्हें जो यहां बैठकर उस वैन का पता लगाया था ना, वो वैन मिल गई थी। और वो कपड़े? कपड़े भी मिल गए थे। गुड, वेरी गुड। वो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, अगर बुरा ना मानो तो। बोलो। मैंने ये काम पैसों के लिए किया था, इसीलिए मैं तुम्हारे गैंग में शामिल हुआ। लेकिन अब मुझे ये काम नहीं करना है। मुझे मेरे पैसे दे दो, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। तुम हिंदी फिल्में नहीं देखते? मतलब? मतलब इंसान इस धंधे में आता अपनी मर्जी से है, लेकिन जाता हमारी मर्जी से है। कैंपस में वो जो वैन खड़ी है, क्रिमिनल्स इसी वैन में आए थे। अच्छा, काम करो दया, वैन को चेक करो अच्छी तरह से, देखो कुछ मिलता है। अभी चेक करना। हाँ। इंतजार कर रहा था, तब ये लोग अचानक मेरे पास आए, तो बंदूक दिखाकर कहने लगे कि हम जो कहते हैं वो करो। डर गया था साहब। कितने लोग थे? कम से कम 6-7 लोग तो होंगे साहब। 7 लोग? तुमने से किसी को पहचानते थे? सब उनको पहली बार देखा।
ये क्या, ये तो केमिकल लगता है। साहब ये तो वही लोग लाए थे। अच्छा चलो ऐसे बात चलो। सर केस वैन का ड्राइवर है सर, इसे बांध के अंदर वैन में डाल दिया गया था। इनके पास केमिकल भी है सर। केमिकल? खतरनाक केमिकल? ये बिल्डिंग को उड़ाने का इरादा तो नहीं? अभिजीत का? हाँ अभिजीत। बाहर खड़े रहने से काम नहीं चलेगा किसी भी। कुछ करो तभी ये लोग बच सकते हैं, नहीं तो बेचारे मारे जाएंगे। चाहते क्या हो तुम? तिलकवाड़ी जेल चले जाओ जल्दी। तिलकवाड़ी जेल? क्यों? वहां जाओगे तो खुद ही पता चल जाएगा। और सुनो, तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है, बचा सकते हो तो बचा लो इन लोगों को। देखो अभिजीत, उन लोगों को कुछ भी नहीं होना चाहिए। हेलो हेलो अभिजीत, हेलो। कट कर दिया, तिलकवाड़ी जेल बुला रहा है। तिलकवाड़ी जेल से क्या संबंध हो सकता है सर इन बंधक बने लोगों का? जाके देखना ही पड़ेगा दया, वहीं कुछ पता चल जाएगा। तिलकवाड़ी जेल। अमित ने तो यही बुलाया था, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है। यहाँ बुलाया था तो यही होना चाहिए। अमित क्या बात है, कहाँ हो तुम? अभिजीत पागल मत बनो, कर नीचे करो। गन तो तब नीचे जाएगी जब इसकी सारी गोलियां उतार दूंगा तेरे भेजे में। बोलो तुम। अभय इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड, मैंने तुम लोगों को सारी जानकारियां दी थी। ऐसे अमित ने तुम्हें हमारे मिशन में शामिल करके बहुत अच्छा किया। लेकिन अमित कहाँ है? मार डाला मैंने उसे। मार डाला? लेकिन क्यों? पागल हो गया था, अपने पैसे लेके निकलना चाहता था, उस दिल कहीं का। लेकिन ये सब माया, हमें हमारे मकसद से मतलब है, फिर चाहे वो अमित हो या अभय। वैसे सीआईडी तक हमारी मांग पहुंच गई कि नहीं? हाँ, एसीपी साहब निकल चुके हैं तिलकवाड़ी जेल को। एक्सक्यूज मी, इस फोटो को ध्यान से देख के बताइए कि इस लड़की को पहचानती हैं आप? जी, ये तो माया है, ये प्रोड्यूसर है, ये टीवी प्रोग्राम बना रही है। एक टीवी प्रोग्राम की प्रोड्यूसर यहाँ क्या काम करती है? सर ये प्रोग्राम बना रही है हॉस्पिटल पे, उसी की रिसर्च के लिए आई, जिसके लिए उन्होंने ट्रीटमेंट रूम भी बुक किया था। वैसे आप लोग कौन है? हम सीआईडी से। सीआईडी? जी हाँ, इस लड़की से मिलना हमें। है वो यहाँ पर? आज तो देखा नहीं। अच्छा, वो यहाँ अकेली आती है या और भी कोई आता है उसके साथ? जी, एक आदमी और आता था इनके साथ। क्या ये वही आदमी जो उसके साथ आता था? नहीं, ये वो आदमी नहीं, बल्कि ये तो वो आदमी है जिनके ऊपर वो रिसर्च कर रही थी। ये कोई पेशेंट था। इस आदमी पे रिसर्च कर रहे थे? क्या रिसर्च कर रहे थे मालूम है आपको? नहीं सर, जो कुछ भी होता था वो सब ट्रीटमेंट रूम में ही होता था, जहाँ पर मरीजों का इलाज किया जाता है। हमें वो कमरा देखना है, चलो हमारे साथ। जी आइए सर। ये मशीन यहाँ पे? जी सर। दिमाग के मरीजों का इलाज इन्हीं मशीनों से किया जाता है। अभिजीत सर को यहाँ पर रखा जाता था? अब अगर मरीज का इलाज करना है तो उसे यहाँ रखना ही पड़ेगा। ये मामला कुछ गड़बड़ी लगता है। काजल, मुझे लगता है कि इन लोगों ने अभिजीत सर के सर दर्द का गलत इस्तेमाल किया है। वही हुआ है, इन लोगों ने जानबूझकर इन मशीन से अभिजीत सर के दिमाग में झटके दिए हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाया। अभिजीत सर को अपने काबू में कर लेगा। ये आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? हम भला ऐसा क्यों करेंगे? ऐसा कुछ तो है जो आप छुपाने की कोशिश कर रही हैं। मैं वो नहीं सर, मैं भला देखो सच सच बताओ, क्या चलता था इस हॉस्पिटल में?
देखिए प्लीज आप लोग मुझे गलत मत समझिए, मुझे जो कुछ भी पता था वो सब कुछ मैंने आप लोगों को बता दिया। अब अगर और जानकारी चाहिए तो आप डॉक्टर सुमेश से पूछिए, वो आप लोगों को इस बारे में सारी जानकारी दे सकते हैं। डॉक्टर सुमेश जी, वो माया मैडम को मशीनें चलानी नहीं आती थी। ओह, तो डॉक्टर सुमेश ही मशीन्स ऑपरेट करते थे। जी हाँ। ये डॉक्टर सुमेश का केबिन कहाँ है? अरे देखे नहीं चलते, दरवाजा लॉक करके आना चाहिए, मालूम है आपको? आपका अपॉइंटमेंट है मेरे साथ। क्या करें डॉक्टर साहब, आपसे बिना अपॉइंटमेंट के मिलना पड़ रहा है। लेकिन मैं जल्दी में हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, बाद में बात करेंगे। बात तो आपको अभी करनी पड़ेगी डॉक्टर साहब। क्या मतलब? बताओ अभिजीत सर को तुम लोगों ने क्या किया? देखो देखो, रुक जाओ तुम। छोड़िए सर, क्या कर रहे हो? शट अप। सुनना है क्या किया अभिजीत के साथ? अभी थोड़ी देर में खुद ही पता चल जाएगा तुम्हें। देखो मैं तुम्हारे खून से अपने हाथ लाल नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना उड़ा दूंगा इसको। हट जाओ। काजल रहने दो, डॉक्टर साहब जल्दी में है। इट्स ओके। एक मौका मिला था तुझे, लेकिन तूने वो भी गंवा दिया। अभिजीत सर का दिमाग खराब किया ना तूने। मुझे माफ कर दो सर, मुझसे गलती हो गई। माया ने मुझे पैसों के लालच में फंसा दिया, इसलिए मैं उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया सर। कैसे मदद की तुमने उसकी? अभिजीत को सीआईडी के खिलाफ कर दिया। तो ये सब तुम लोगों का किया कराया है, जिसकी वजह से अभिजीत सर उखड़े उखड़े रहते थे। हाँ, माया चाहती थी कि अभिजीत सीआईडी का दुश्मन बन जाए। तो तुमने अभिजीत सर के दिमाग में सीआईडी के खिलाफ नफरत भरी? हाँ। काजल जरा लिफाफे में देखो क्या रखा है, जिसे डॉक्टर साहब छिपाने की कोशिश कर रहे थे। ये देखो, नकली पहचान बनाई है डॉक्टर साहब ने, नकली पासपोर्ट, माया और उसके तीन साथियों की। इसका मतलब माया के साथ साथ उसके साथी देश छोड़कर भागना चाहते थे। ये सारे आइटम मतलब भेस बदलने के लिए। ये दोनों कौन है माया के साथ? इनमें से एक माया के साथ आता जाता था, बाकी दो को मैंने भी देखा। अजय तुम डॉक्टर साहब का ध्यान रखना, मैं एसीपी साहब को इन्फॉर्म करता हूँ। सर उस डॉक्टर का पता चल गया है, जिसने माया के साथ मिलके अभिजीत सर के दिमाग में सीआईडी के खिलाफ नफरत पैदा की। सचिन ये डॉक्टर ही हमें उनकी गैंग तक पहुंचाएगा। और सर हमें डॉक्टर के पास से चार लोगों के नकली पासपोर्ट और नकली वीजा भी मिले, और साथ ही साथ भेस बदलने का कुछ सामान। सर है कौन ये लोग? सर एक तो माया है, और बाकी तीन लोगों में से एक को मैंने टीवी स्टेशन की क्लिपिंग में देखा था सर, और बाकी दो कौन है उनका कुछ पता नहीं सर। ये बाकी दोनों टीवी स्टेशन में नहीं थे? नहीं सर। लेकिन सुनो, तो डॉक्टर पे कड़ी नजर रखो। ओके सर। अरे जेलर साहब कहाँ? सर वो दो कैदियों को लेकर गए। कहाँ गए? सर उन दोनों को आज फांसी होने वाली है, वहीं गए। दोनों कैदियों को फांसी होने वाली है? कि ये दो कैदी वो लोग तो नहीं जिनका नकली पासपोर्ट और वीजा डॉक्टर सोमेश ने बनाया? और शायद इन्हीं दोनों की वजह से अभिजीत ने मुझे यहाँ जेल में भेजा है। क्या बात है सर? नहीं कुछ नहीं। ये फांसी कितने बजे होने वाली है? सर ठीक 12 बजे।
अब तो 11:30 बज गए, ये फांसी रोकनी होगी। बोर्जुलो और वरुण, तुम दोनों ने देश में आतंक फैलाया है, लाखों बेगुनाह लोगों की जान ली है, इसलिए कानून ने तुम दोनों को फांसी की सजा सुनाई है। तुम दोनों के लिए हुक्म है कि बोर्जुला और वरुण को ठीक 12 बजे फांसी दे दी जाए। जेलर साहब, 12 बजने में सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं। आप आगे की कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। ओके। बोर्जुला, वरुण, आप लोगों की भी आखिरी इच्छा है? है ना? हम दोनों यहाँ से छूटना चाहते हैं। जेलर, क्या तुम हमें छोड़ सकते हो? ले जाओ ने। रोक दीजिए जेल में, प्लीज फांसी रोक दीजिए। अरे सर, हाँ मैं यहाँ पहुंचाऊ, आप फांसी रुकवा दिए जी। जेल साहब प्लीज फांसी रोक दीजिए। एसीपी साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? फांसी नहीं रोकी जा सकती, ये कानून के खिलाफ होगा। मैं भी जानता हूँ जेल साहब, मगर हालात ही कुछ ऐसे। सर आप प्लीज जेलर साहब से बात कीजिए, होम मिनिस्टर साहब है, प्लीज बात कीजिए, प्लीज प्लीज बात कीजिए। यस सर, जी सर, समझ गया सर। ओके सर, रोक दो। थैंक यू। चलो चल। देखा जेलर, ये था हमारी हंसी का राज। अब सपने देखते रहना हमें फांसी पे लटकाने का। चुप रहो। बोलो अभिषेक, अब क्या? एसीपी साहब, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहिए, उन दोनों की फांसी रुकी कि नहीं? हाँ, फांसी रुकवा दी। देखो अभिषेक, तुम जो कुछ भी कर रहे हो ना, ठीक नहीं कर रहे हो। क्या ठीक है और क्या नहीं, ये बताने का अधिकार आपने खो दिया है एसीपी साहब। अपनी नसीहत अपने पास रखो। एक बात याद रखना अभिजीत, अब तक तुम भी नहीं बचोगे। जितना कहता हूं उतना करो, समझे? ठीक है, बोलो क्या चाहते हो। हाँ, अब जरा उन दोनों कैदियों से मेरी बात करा। ठीक है, ठीक है, बोलो बात करो। बहुत हंस रहे हो, आगे चल के ये हंसना ना पूरा बंद हो जाएगा, समझे? बात करो। हाँ, फांसी रोक दिया इन्होंने, अब इन्हें हमें यहां से बाहर निकलने को कहो, बहुत दम घुटता है यहाँ। ठीक है, बोर्जालो और वरुण की फांसी रुक गई है, दोनों जिंदा हैं। प्रणाम। हेलो अमोस, कैसा लगा मेरा प्लान ऑफ एक्शन? बहुत बढ़िया अभय, बहुत बढ़िया, तुमने तो कमाल कर दिया। बस मुझे बाहर आने दो, राजा बना दूंगा तुम्हें राजा। थैंक यू बॉस, थैंक यू।
अच्छा आप आगे क्या करना है बॉस? वो मैं बाहर आकर बताऊं। ठीक है बॉस। एसीपी को फोन दे। बात करो एसीपी। बोलो। अब इन दोनों को लेके चुपचाप टीवी स्टेशन पे आ जाओ, ठीक है? वहां उन लोगों को कुछ भी नहीं होना चाहिए, समझे? किसी को कुछ नहीं होगा, अभिजीत की जुबान है, भरोसा रखो। लेकिन कोई भी चालाकी नहीं होनी चाहिए, हैं? अभिजीत की जुबान? अच्छा, लेकिन चिंता मत करो, कोई चालाकी नहीं करूंगा, ये मेरी जुबान है। अच्छी तरह से जानता हूं आपको एसीपी साहब, इसीलिए तो डर लगता है कब पलटी मार जाओगे, हैं? देखो अभिजीत, मुझे उन 400 लोगों की चिंता है जिन्हें तुमने बंदी बना के रखा है। तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए, अगर उन्हें कुछ हो गया ना तो याद रखना। हाँ जल्दी आओ। डॉक्टर सोमेश? ये है डॉक्टर सोमेश, जिसे नकली पासपोर्ट और वीजा बनाए इन लोगों के लिए। किसका फोन है? सर उन्हीं लोगों का सर। एक मिनट, उनसे कहो कि तुम अब अंदर आने वाले हो, और अंदर कहां से आना ये भी पूछो। स्पीकर ऑन करो, बात करो। हेलो। हाँ भाई, सब कुछ तैयार है भाई, पासपोर्ट भी और वीजा भी। शाबाश मेरे शेर, शाबाश, वेरी गुड। तू अंदर आ जा। पर भाई कहाँ से अंदर आऊँ? ध्यान से सुन, टीवी स्टेशन के पीछे एक जनरेटर रूम है, वहाँ पे एक दरवाजा है, वहाँ से अंदर आना है। ठीक है भाई, मैं अभी आता हूँ। और सुन, दरवाजे पे आने पर 3 बार ठक ठक करना, वो हमारा कोड है। ठीक है भाई, मैं आता हूँ भाई। कौन कौन पहचानता है तुम्हें यहाँ पे? सर माया और अभिजीत साहब। अभिजीत पहचान रहा है? हाँ सर, मैंने उसके सिर का इलाज किया था सर। अच्छा इलाज किया तुमने अभिजीत का, दुश्मन बना दिया उसे। रेडी, ले जाओ इसे और हम दोनों को भी। विक, अब तुम ये नकली पासपोर्ट और वीजा लेकर जाओगे डॉक्टर सोमेश बनकर। और वीजा लाया। सुमेश? हाँ। किसी ने तुम्हें देखा तो नहीं इधर आते हुए? पता नहीं, तू चुप क्यों है? चल आ जा। वेरी गुड यू एक्ट। और अंदर जाके देखा लोग कहाँ कहाँ। बताते रहना वहां पर क्या हो रहा है, समझे? यस सर।
हाँ सर, लिक्विड बॉम्ब सर। इसे काफी सारा नुकसान हो सकता है सर। ये लोग पूरा का पूरा टीवी स्टेशन उड़ाने का सोच रहे हैं। एक काम करो, तुम निकल जाओ वहां से, जल्दी निकल जाओ। बॉम्ब स्क्वाड को भेज रहा हूं मैं। यस सर। विवेक क्या चीखने की आवाज सुनाई कोई? आप तो कुछ बोल भी नहीं रहा है। लगता है विवेक की जान को खतरा है सर, इनसे कुछ होना चाहिए सर। हमें भी जल्द से जल्द अंदर जाना चाहिए सर। तीन अंदर तो जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन मुझे पता चल गया कि हम लोग क्या करने वाले थे। या अंदर जाने के लिए कुछ और सोचना पड़ेगा सर। हमें एक एक कदम सोच साझ के रखना पड़ेगा सर। अंदर फंसे हुए लोगों की जान को खतरा हो सकता है। अभिजीत का फोन है। बोला अभिजीत। एसीपी साहब, आपने बिना सोचे समझे विवेक को मौत के मुंह में झोंक दिया सर। सर आप तो खुद पीछे रह गए, बच्चों को आपने आगे कर दिया सर। एक बात याद रखना अभिजीत, जो भी विवेक को नुकसान पहुंचाएगा ना, उसके हाथ पैर तोड़ के रखूंगा मैं, समझे? सर जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा है वो, और मैंने कुछ नहीं किया सर। मेरी जान तो खुद खतरे में है सर। हाँ सर, सर मैं खुद फंस गया हूँ। हम दोनों की जान खतरे में है सर। प्लीज प्लीज सर, आप हमें बचा लीजिए सर। ये अभिजीत हमसे मदद मांग रहा है, कह रहा है उसकी भी जान खतरे में। सर कहीं उन लोगों की कोई चाल तो नहीं? हो सकता है, हो सकता है, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है कि अभिजीत सच बोल रहा है, वाकई उसकी जान को खतरा है। हेलो अभिजीत, हम लोग अंदर आ रहे हैं, लेकिन ये बताओ अंदर कैसे आना है? सर जिस रास्ते से विवेक अंदर घुसा था, वो दरवाजा आपको खुला हुआ मिलेगा सर। अभिजीत। हेलो अभिजीत, हेलो। क्या साजिश रच रहे थे हमारे खिलाफ फोन पे? हाँ, तुम गधे हो, एक नंबर के गधे। और ये खिलौना मुझे मत दिखाया करो, खून खोल जाता है मेरा, समझे? तुम एसीपी के साथ मेरी मौत का प्लान कर रहे थे हा? इसीलिए मैंने तुम्हें गधा कहा, नहीं समझे? नहीं। एसीपी को फंसा लिया है मैंने। दया, संभाल के आ, यहीं कहीं छुपे होंगे। मैंने जरा सी दया की भीख मांगी, रो पड़ा, फौरन अंदर आने को तैयार हो गया। एसीपी अंदर आ रहा है। तुम जानते हो ना एसीपी को, उसके आंसू मगरमच्छ के आंसू हैं। अपनी आंखों से टपके एक एक आंसू की कीमत वसूल करेगा वो हमसे, समझे? अच्छी तरह से जानता हूं मैं एसीपी को, क्या कर सकता है वो और क्या नहीं। क्या लग रहा है, बस ये वाली है? हो सकता है ये नाम कोई चाल हो। अभिजीत ने जबरदस्ती हमें फोन करके यहां पे बुलाया सर। जो कुछ भी हो गया, अब पीछे नहीं हटेंगे। हाँ सर, इन लोगों से पुराना हिसाब किताब चुकता करना है। अगर वो यहां आ गया, सारा प्लान चौपट हो जाएगा। बिना मतलब डर रहे हो तुम लोग, मैं एसीपी को यही मारूंगा तुम लोगों के सामने। अब आएगा मजा। जिंदा है सर, हमारे बेहोशी की हालत में है।
और होश में आया तो खतरा बन सकता है। हाँ सचिन, बंदोबस्त करो इसका और जल्दी आओ। गुलाम का रास्ता ढूंढना चाहिए, अभिजीत ने हमें वहीं पर बुलाया है। ये तो वही जो है अभिजीत दिखने रहा सर। कुछ गड़बड़ लग रही है सर, लगता धोखा हुआ हमारे साथ। नहीं क्या, बिल्कुल वैसे के वैसा ही है जैसे अभिजीत ने बताया था। नहीं सर, अभिजीत ने फंसा दिया हमें। ठीक है, मैं इस तरफ जाता हूं। दिलों की तरह छुप क्यों रहे हो? सामने क्यों नहीं आते? हाँ, हिम्मत है तो सामने आ। किसने क्या, तुमने देखा किसी को? नहीं सर, मैं किसी को देख नहीं सका। यहीं पर होगा वो दया, छुपेगा कहां पर? तुम आप ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गोली चल जाते, दया पर किसी ने हमला किया अभिजीत। गोली तो अब भी चलेगी एसीपी। क्या अभिजीत?